नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। एक बार फिर से किसान संगठन ने सरकार को न्योता ठुकरा दिया है। किसान संगठन ने कहा है कि सरकार से कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने हर बार सरकार के सामने अपनी बात स्पष्टता से रखी है। किसान संगठन का कहना है कि उन्हें कृषि कानून में संशोधन नहीं चाहिए, बल्कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांग को मानते हुए कानूनों को रद्द कर दे। बता दें कि अभी भी सरकार अपनी जिद पर अड़ी है, किसान कानून को रद्द करने की मांग पर डटे। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक में मानेसर को नगर निगम बनाने पर मोहर लग गई है। नई उद्योग रोजगार नीति 2020 को मंजूरी मिल गई है। नई नीति 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। सीनियर मेडिकल ऑफिसर की भर्ती सीधा विभाग की गठित कमेटी के तहत करने पर कैबिनेट की मोहर लगी। इस फैसले के बाद 25% एसएमओ के पद भरे जा सकेंगे। बिजली वितरण कंपनियों को 900 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। हरियाणा योग आयोग के गठन को भी कैबिनेट ने मोहर लगा दी। पंचायतों के लिए बिजली पर पंचायत टैक्स 2% लगाने पर कैबिनेट की मोहर लगी है। इस फैसले के बाद पंचायतों को 100 से 125 करोड़ रुपए मिलेंगे। कृषि उपभोक्ताओं और कृषि से जुड़े उद्योग पर यह टैक्स लागू नहीं होगा। ग्रुप सी की भर्ती के लिए कैबिनेट ने कॉमन टेस्ट को मंजूरी दी है। इस परीक्षा की वैधता 3 साल तक रहेगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि एसवाईएल अभी नहीं तो कभी नहीं। एसवाईएल की मांग को लेकर हरियाणा में सरकार बड़ी रैलियां करेगी और पंजाब सरकार को बताएगी हरियाणा कमजोर नहीं है। जेपी दलाल ने सीएम मनोहर लाल के विरोध पर कहा कि नेताओं को दबाने की यह गलत परंपरा बन चुकी है, जिसका आने वाले समय में हर नेता को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भिवानी के बैला इलाके में बीजेपी 26 दिसंबर को जल अधिकार रैली आयोजित करेगी। इसकी जानकारी देते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पहल रैली में सीएम मनोहर लाल समेत बीजेपी के बड़े नेता शिरकत करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बीरेन्द्र सिंह के कृषि कानून के विरोध में बोलने पर जेपी दलाल ने कटाक्ष किया। कहा, कुछ ऐसे नेताओं में भी समय किसान जाग गया है, जिनको खेतीबाड़ी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जींद में वकीलों ने किसानों के पक्ष में एक दिन का सांकेतिक धरना दिया है। वकीलों ने कहा है कि केंद्र के तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए, क्योंकि इससे आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा। बार एसोसिएशन के बैनर तले धरना दे रहे वकीलों ने बताया कि एक जागरूक कम्युनिटी के तौर पर वकीलों ने किसानों का साथ देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया है कि वकीलों ने इन कानूनों को समझा है और बारीकी से इनका परिणाम समझा जा सकता है। किसान आंदोलन के बीच में पंजाब बीजेपी की भारी फजीहत हो रही है। पंजाब बीजेपी की ओर से पोस्टर जारी करके प्रदेश और देश में किसानों को खुशहाल दिखाने की कोशिश की गई। पोस्टर में किसान को खेत में खड़े हुए मुस्कुराते हुए दिखाया गया। पोस्टर पर केंद्र सरकार के किसान हित में उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी गई, लेकिन इस पूरे मसले पर पासा बीजेपी पर उल्टा पड़ गया। जिस किसान की फोटो बीजेपी ने पोस्टर में इस्तेमाल की, वो 2 हफ्ते से भी ज्यादा समय से कृषि कानून के विरोध में सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल। पंजाब के होशियारपुर जिले के रहने वाले हरप्रीत सिंह ने पंजाब बीजेपी के पोस्टर पर सवाल उठा दिए। हरप्रीत ने पंजाब बीजेपी के पोस्टर वाले पोस्ट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि बेशर्मी की हद होती है। गोलाचिका में कृषि कानून के विरोध में किसान दिवस पर 14 किसानों ने उपवास किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, नेताओं को गांव में नहीं घुसने देने की बात कही। सिरसा में कृषि कानून का विरोध जारी है। किसानों ने पक्का मोर्चा धरनास्थल से रोष मार्च निकाला है। धरनास्थल पर दर्जन भर किसानों ने उपवास रखा। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का पुतला फूंक कर रोष जताया। भवानीखेड़ा में किसान चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस को किसान दिवस के रूप में मनाए रहे हैं। किसान कुंगड़ गांव में सुबह 7 बजे से 12 घंटे के अनशन पर बैठे। गांव के चंदेरा चौक में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में अनशन किया जा रहा है। इसमें गांव के आसपास के क्षेत्रों से भी किसान हिस्सा ले रहे हैं। फतेहाबाद के नाचबंड में किसानों व्यापारियों की महापंचायत हुई, जिसमें दर्जनों किसान संगठन ने शिरकत की। कैसे आगे आंदोलन को बढ़ाया जाए, इस पर रणनीति तैयार की गई। किसान बीजेपी के उपवास कार्यक्रम के दौरान हंगामा करने के मामले में दर्ज किए गए केस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए इंद्री अनाज मंडी में सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए। दिल्ली कूच किया, कहा कि जब तक कानून रद्द नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। सोनीपत बॉर्डर पर पंजाब के तरन तारण के रहने वाले किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इसकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है।
किसान का इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है। इस पूरे मामले पर सोनीपत के एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने कहा है कि पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। अनिल विज ने ट्वीट करके खुद इसकी जानकारी दी है। अनिल विज को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने भारत में वैक्सीनेशन को लेकर पूछा है कि भारत का नंबर कब आएगा मोदी जी। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दुनिया में 23 लाख लोगों को पहले ही कोविड वैक्सीन का टीका लग चुका है। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस ने वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। इंडिया का नंबर कब आएगा मोदी जी। कोरोना टीकाकरण के लिए हरियाणा सरकार तैयार है। वैक्सीन के लिए सरकार ने डाटा अपलोड कर दिया है। कोविन पोर्टल पर 1.9 लाख हेल्थ वर्कर्स का डाटा अपलोड किया गया। पूरे प्रदेश में 1,800 वैक्सीन साइट की पहचान की गई है। वैक्सीन सेंटर्स पर 5,000 वैक्सीनेटर्स तैनात होंगे। कुरुक्षेत्र में राज्य वैक्सीन सेंटर बनाया जाएगा। पूरे हरियाणा में 4 क्षेत्रीय वैक्सीन सेंटर्स को मंजूरी दी गई है। हिसार, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और रोहतक में क्षेत्रीय वैक्सीन सेंटर बनेंगे। सभी 22 जिलों में कोरोना वैक्सीन स्टोर बनाए जाएंगे। पूरे प्रदेश में 659 कोल्ड स्टोरेज बनेंगे। सोनीपत में नगर निगम चुनाव के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सोनीपत में अपने दौरे की शुरुआत करने से पहले कांग्रेसी राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जीत का दावा किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि हमारे मेयर पद और पार्षद के उम्मीदवार बहुत बड़े बहुमत से जीतने वाले हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि सोनीपत नगर निगम को स्वच्छ प्रशासन दिया जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि नगर निगम में रहने वालों को प्राथमिकता पर नौकरियां मिलेंगी। एनओसी की प्रक्रिया ऑनलाइन करने पर काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा। अंबाला को लेकर कहा कि गांव को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। गांव को शहर के तर्ज पर सुविधाएं मिलेंगी और गांव के लिए कॉलेज की सुविधा भी होगी। शहर भर में पार्किंग की समस्याओं को लेकर विनोद शर्मा ने कहा कि पार्किंग की समस्या को सुलझाया जाएगा। इसके साथ ही आवारा जानवरों की समस्या का भी अंत किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंबाला में स्ट्रीट लाइट की दिक्कत को भी दूर किया जाएगा। लापरवाही करने वालों पर जुर्माना लगेगा। पानी की सबसे बड़ी समस्या को ठीक करेंगे। काम ठीक से नहीं करने वालों पर एक्शन होगा। उन्होंने आगे कहा कि अंबाला के लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचाया जाएगा। शहर में जगह जगह सीसीटीवी लगाए जाएंगे। अपराध, ड्रग्स के व्यापार पर रोक लगेगी और अवैध गतिविधियों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा है कि डराकर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। पुलिस का इस्तेमाल करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। उन्होंने कहा कि मेरा प्यार भरा संदेश, इस डराने धमकाने से कुछ नहीं होगा, एफआईआर लिखाने से कुछ नहीं होगा। विनोद शर्मा ने कहा कि क्या संदीप सचदेवा नाम का एक ही व्यक्ति हो सकता है। संदीप सचदेवा नाम के युवक ने परिवार सहित भाजपा को छोड़कर हरियाणा जनचेतना पार्टी ज्वाइन की थी। उसे धमकाया जा रहा है। भाजपा नेता संदीप सचदेवा ने एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि चुनाव तक फायदा लेना चाहते हैं। एसपी को गलत लगे तो हमें गिरफ्तार करें। साथ ही उन्होंने आरओ के पास गए एफिडेविट पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि कोई भी झूठी एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता। एफआईआर वापस लेनी होगी। हम भी कानून का सहारा नहीं तोलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पॉलिटिकल फायदे के लिए मेरी इमेज को टारगेट किया जा रहा है। अंबाला में वार्ड नंबर 4 में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया, जहां उन्होंने वार्ड प्रत्याशी अशोक सोनी और मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए लोगों से वोट की अपील की। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में लगी हैं। वो अंबाला के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार कर रही हैं। शक्ति रानी शर्मा विकास के दावे और अंबाला की तस्वीर को बदलने की बात के साथ जनता के बीच पहुंच रही हैं। शक्ति रानी शर्मा लोगों को भरोसा दिला रही हैं कि चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर ही उनकी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पहचान ही विकास की रही है। बुधवार को शक्ति रानी शर्मा अंबाला के वार्ड 20 पहुंची, जहां उन्होंने जनता से मुलाकात की। जनता ने भी शक्ति रानी शर्मा पर भरोसा जताया और भारी मतों से उनको जिताने की बात कही। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, शक्ति रानी शर्मा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। लोगों से बात करके अंबाला के विकास का वादा कर रही हैं। शक्ति रानी शर्मा के चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं नजर आ रही हैं। अंबाला के विकास की पहचान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा को ही माना जाता है। वार्ड नंबर 20 में जब शक्ति रानी शर्मा चुनाव प्रचार कर रही थी, तो उन्हें बलबीर कौर नाम की महिला मिली, जो विकास की हकीकत उन्हें दिखाने लगी।
शक्ति रानी शर्मा के सामने बलबीर कौर ने अपना दुखड़ा सुनाया। उन्होंने कहा कि कई साल बीत गए लेकिन घर की गली आज तक पक्की नहीं हुई है, ना ही इलाके में सीवरेज की शुरुआत हो सकी। निगम की तरफ से टैक्स तो वसूला जाता है लेकिन जब काम करने की बात आती है तो कोई नहीं है। हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि जितनी गलियां यहां बनी हैं वो सभी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल में बनी लेकिन उसके बाद से एक ईंट तक यहां नहीं लगी। शक्ति रानी शर्मा ने बलबीर कौर से एक वादा किया कि चुनाव जीतने के बाद न सिर्फ बलबीर कौर की गली बल्कि पूरे अंबाला की तस्वीर को बदला जाएगा। वार्ड नंबर 20 से मोहन सिंह राठौर ने शक्ति रानी शर्मा से कहा कि दूषित पानी की वजह से लोगों का जीना मुहाल है। उन्होंने शक्ति रानी शर्मा से समस्या से निजात दिलाने की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि जब तक ईमानदार नेता उनकी बात सुनेगा तभी इलाके की समस्या का समाधान होगा। मोहन सिंह राठौर ने कहा कि एक वक्त था जब विनोद शर्मा को एक फोन करने पर लोगों की समस्या दूर होती थी लेकिन अब वक्त बदल गया। इस पर हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि वो उसी वक्त को दोबारा अंबाला के सामने लेकर आएंगी। एक तरफ शक्ति रानी शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में लगी हैं तो दूसरी तरफ उनके बेटे कार्तिकेय शर्मा भी मोर्चा संभाल रखा है। कार्तिकेय शर्मा लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल की लोगों को याद दिला रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा वार्ड नंबर 1 में पहुंचे जहां उन्होंने पब्लिक मीटिंग की और शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल के दौरान लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी तो फौरन उसे पूरा किया जाता था। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि एक बार फिर अंबाला में वही समय लौटेगा और अंबाला की जनता को किसी भी काम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के मेयर पद के प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए उनकी बहू ऐश्वर्या शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। ऐश्वर्या शर्मा हर रोज सुबह से शाम तक अंबाला के लोगों के बीच पहुंच रही हैं और शक्ति रानी शर्मा के लिए समर्थन की अपील कर रही हैं। ऐश्वर्या शर्मा अलग अलग वार्ड में पहुंचकर इलाके के लोगों को समझा रही हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल में ही अंबाला का विकास हुआ था और आगे भी विनोद शर्मा ही अंबाला को आगे बढ़ाएंगे। ऐश्वर्या शर्मा लोगों को भरोसा दे रही हैं कि मेयर चुनाव जीतने के बाद शक्ति रानी शर्मा अंबाला को हरियाणा का नंबर वन शहर जरूर बनाएंगी। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी का वादा है कि अंबाला को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए। ऐश्वर्या शर्मा जब जनता के बीच पहुंच रही हैं तो उनसे विस्तार पूर्वक बात भी कर रही हैं, उनका हालचाल भी ले रही हैं। इसके साथ ही ये भी कह रही हैं कि इस बार अंबाला की जनता को मेयर और प्रत्याशी दोनों ही चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी का साथ देना है जिसका चुनाव निशान गैस सिलेंडर है। वार्ड नंबर 2 में चुनाव प्रचार के दौरान ऐश्वर्या शर्मा पार्टी के पोस्टर पर्चे और पैम्पलेट्स को लेकर के लोगों के बीच में पहुंची है। बाकायदा वो लोगों को विनोद शर्मा की तस्वीर और गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह दिखा रही हैं और शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील कर रही हैं। शक्ति रानी शर्मा के लिए उनकी बहू प्रीति शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार में लगी हैं। बुधवार को प्रीति शर्मा वार्ड 5 में पहुंची और अंबाला से मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। वार्ड नंबर 5 में स्थानीय लोगों ने प्रीति शर्मा का स्वागत किया। इस दौरान प्रीति शर्मा ने लोगों से वादा किया कि निगम चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर उनके समस्या का समाधान शक्ति रानी शर्मा की तरफ से करवाया जाएगा। रेवाड़ी नगर परिषद से चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार उपमा यादव ने कहा है कि ना तो मैं कोई राजनेता हूं ना ही मुझे किसी राजनेता का समर्थन है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ खड़े सभी लोग मेरे परिवार का एक हिस्सा हैं। उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील की। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि कोविड महामारी के चलते पहली से आठवीं कक्षा तक की ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी। जनवरी से इन कक्षाओं के विद्यार्थियों का मासिक मूल्यांकन टेस्ट अवसर ऐप के माध्यम से लिया जाएगा। इसके साथ ही ठंड के मौसम को देखते हुए नवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों के समय को 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रखे जाने का निर्णय भी लिया गया। यमुनानगर में पिछले 1 महीने से पानी की किल्लत को लेकर के पुराना हमीदा कॉलोनी के लोगों ने हमीदा चौक के बाहर जाम लगा दिया। सैकड़ों महिलाओं ने नगर निगम और वार्ड पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब 2 घंटे तक महिलाओं ने जाम लगाए रखा। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि कोई भी अधिकारी उनकी बात को नहीं सुन रहा। कॉलोनी में 2 वार्ड लगते हैं लेकिन दोनों पार्षद एक दूसरे का नाम लेकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। सोना के चुंगी नंबर 1 को चल रहे नेशनल हाईवे के ग्रिल के काम को लेकर व्यापारी एकजुट हो गए। व्यापारियों ने इसके विरोध में प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दुकानों के सामने ग्रिल लगाई गई तो वे एक बड़ा आंदोलन करें। इससे पहले व्यापारियों ने आला अधिकारियों से इसकी शिकायत की। व्यापारियों का कहना है कि ग्रिल लगने से 100 से ज्यादा दुकानदारों का व्यापार पूरी तरह से ठप्प हो जाएगा। आसपास के किसानों को भी इससे भारी किल्लत होगी।
समस्या को लेकर के व्यापार मंडल ने बैठक की है, जिसमें व्यापारियों ने शहर में अतिक्रमण हटाने की अपील भी की। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि कुछ दुकानदार रेहड़ियां लगवाकर भारी राशि उनसे वसूल करते हैं। फरीदाबाद में नगर निगम के रैन बसेरे अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। दिसंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन सेक्टर 16 में बना रैन बसेरा धूल फांक रहा है। नगर निगम ने अभी तक रैन बसेरे के सुध नहीं लिए। अभी तक ना तो यहां पर सफाई करवाई गई है, ना ही किसी तरह से गद्दे या दूसरे कोई इंतजाम यहां पर किए गए। निगम की तरफ से अभी तक यहां कोई कर्मचारी स्थायी तौर पर भी नहीं रखा गया है। नजदीक के ही बूस्टर पंप के कर्मचारी को इस रैन बसेरे की चाबी दे दी गई है। लाखों की कीमत से तैयार हुए रैन बसेरे का उद्घाटन पिछले साल दिसंबर के महीने में ही किया गया था। कोहरे के चलते आए दिन होने वाले सड़क हादसे पर अंकुश लगाने के लिए भिवानी की सीजीएम ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर के अभियान चलाया है। अभियान के तहत लोगों को यातायात के नियमों को लेकर के जागरूक किया गया। सीजीएम ने वाहन चालकों को धुंध के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की। कहा, वाहन चालक धुंध के चलते वाहनों की गति को कम रखें, तेज गति से वाहन न चलाएं, ओवरटेक करते समय किसी तरह का कोई जोखिम न उठाएं। सिरसा में लड़कियों के लिए अलग से बस सेवा शुरू करने की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होती हुई दिख रही है। सिरसा के माधो सिंघाना गांव के लिए स्पेशल गुलाबी बस का ट्रायल शुरू कर दिया गया। बस अड्डे से चलकर यह बस भंभूर होते हुए माधो सिंघाना जाएगी और वापस आएगी। इस बस में कॉलेज और स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राएं ही सफर कर पाएंगी। सरकार ने अलग अलग रूट पर इसको चलाने के लिए सिरसा डिपो को 5 बसें दी। कॉलेज और स्कूल टाइम के मुताबिक इन बसों के रूट चार्ट को तैयार किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने और सिरसा आने वाली छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। अगले कुछ दिनों में एक और बस को जमाल रूट पर चलाए जाने की योजना है। भिवानी में उस समय सनसनी फैल गई जब एक कुत्ता रेडक्रॉस में मानव का पांव लेकर के घूमता हुआ दिखा है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस ने पांव को कब्जे में लेकर इसकी जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि उनको सूचना मिली, सूचना पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभी सर्च ऑपरेशन जारी। रतला के गांव दयालपुर खेड़ा में सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है। व्यापारी से उसकी गाड़ी, सोने के गहने और नकदी छीन कर आरोपी कैमरे में कैद हो गया। बदमाशों ने जबरन रास्ते में गाड़ी को रुकवा कर यह हमला किया है। इसकी शिकायत पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को भी दी है। वायरल वीडियो में आरोपियों ने व्यापारी को पहले गालियां दी हैं, फिर गाड़ी में तोड़फोड़ की। करनाल के कैथल रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। ब्रेक फेल होकर के एक बेकाबू ट्रक खड़े हुए वाहनों में जा टकराया। बाहर कई वाहन खड़े हुए थे जो कि इसमें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। बेकाबू ट्रक को आता देख लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन वो अपने वाहनों को नहीं बचा सके। इसके चलते हादसा बढ़ गया और कई वाहनों को इससे नुकसान पहुंचा। चरखी दादरी की पुरानी अनाज मंडी में फायरिंग करके लूट के मामले को लेकर भिवानी के एसपी मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज खंगाली और व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। दादरी के विधायक सोमी सांगवान ने भी व्यापारियों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा, तब जाकर व्यापारियों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। करनाल के नेशनल हाईवे पर लुटेरों का आतंक देखने को मिला है। ट्रक ड्राइवर के सिर पर हथौड़ा मारकर 4 लुटेरे फरार हो गए। ट्रक ड्राइवर से लुटेरों ने 35,000 रुपए और मोबाइल फोन छीन लिया। फोन से लथपथ ट्रक ड्राइवर ट्रक में सामान लेकर यूपी से लुधियाना जा रहा था। ट्रक खराब हुआ तो ट्रक को ठीक करने के लिए उसने ट्रक को हाईवे के किनारे पर लगाया, तभी बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया। प्रयागराज के फूलपुर के इफको प्लांट में बड़ा हादसा हो गया है। अमोनिया गैस के रिसाव से 2 अधिकारी वीपी सिंह और अभय नंदन की मौत हो गई। गैस रिसाव की चपेट में आने से इफको में तैनात 15 कर्मचारियों की तबीयत खराब हो गई है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। यूरिया उत्पादन इकाई में पंप लीकेज के कारण गैस रिसाव की आशंका। जानकारी के मुताबिक अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हुआ तो वहां मौजूद अधिकारी वीपी सिंह रिसाव को रोकने पहुंचे, लेकिन बुरी तरह से वो झुलस गए। इसके बाद दूसरे अधिकारी भी इसकी चपेट में आ गए। दोनों अधिकारियों ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को हालांकि वहां से बाहर निकाला। सर्दी के मौसम की मार के चलते दिल्ली की रफ्तार भी अब थमती हुई दिख रही है। दिल्ली में कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। सर्दी ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अगले कुछ दिनों तक सर्दी से राहत के फिलहाल कोई आसार नहीं है। दिल्ली समेत आसपास के कई राज्य भी शीतलहर की चपेट में हैं।